दोस्तों आज हमारे सेंटर पे आए हैं ये हमारे मेहमान। वो कहाँ से आए हैं उसका नाम पता बताएंगे। और वो यहाँ सूरत में आए हैं हरियाणा से। तो वो क्यों आए हैं और हमारा उनके साथ परिचय कैसे हुआ वो सब वही बताएंगे। तो आप अपना पहले परिचय बताइए और यहाँ गुजरात सूरत में क्यों आए हो और बाद में हमारे NDS का जो ये नेचुरल सेंटर है वहां पर क्यों आए हो बता दीजिए सबको। ओम शांति जी। मेरा नाम प्रमोद कुमार पुरी, मैं यमुनानगर हरियाणा से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9034501955। मैं अपने भाई जी के साथ जो है यहाँ पर सूरत में अभी जो शिविर लगा है वहाँ 5 दिन के लिए आया था, मगर मैं आज से पहले यहाँ पर 3 महीने पहले जो है जब जहाँ पर महेंद्र भाई जी ने शिविर किया था मरोली में, वहाँ मैं 17 दिन रह के गया हूँ। तो वो जो यादें थी मेरे मन में, जो मैंने यहाँ का वो एक्सपीरियंस किया था और जो मैंने वहाँ इसका फ़ायदा अनुभव किया था, तो वो जो यादें मेरे को फिर से महेंद्र भाई जी के से दोबारा मिलने के लिए मेरे को जो उन्होंने ललायत किया। और जब मुझे पता चला कि महेंद्र भाई जी ने अब एक यहाँ पर रेजिडेंशियल जो है अपना हॉस्पिटल खोल दिया, जिसमें ताकि जो आदमी घर पर रहकर ये सिस्टम नहीं कर सकते न्यू डाइट सिस्टम का, उनके लिए उन्होंने यहाँ पर एडमिट होकर और अपना जो उनकी दिक्कत है किडनी की, हार्ट की, लीवर की, जो दूसरी और ऐसी भी कैंसर कैंसर है है, वो सारी दिक्कतें जो आदमी जब फेल हो जाता है बाहर से, दिल शिकस्त हो जाता है, तो यहाँ आकर वो दिक्कतें दूर हो जाती हैं। वो मैंने जब मैं पीछे 3 महीने पहले जब मैंने ये 17 दिन का शिविर किया था महेंद्र भाई जी के साथ, तो मैंने देखा था कि यहाँ पर किडनी के पेशेंट जो वहाँ से आए थे, एक तो USA से आए थे और दूसरे भोपाल से आए थे, कैसे उन्होंने जो है अपने जो डायलिसिस की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया, कैसे उनका शरीर जो बिल्कुल चल नहीं सकता था वो 8 दिन 10 दिन के बाद कैसे वो जो है अपने आप अपने सारे कार्य करने के लायक बन गए। तो ये सारी बातें जो हैं मेरे को फिर से जो है वो इसकी ओर जो है आकर्षित करती हैं कि जो वाकई अगर कोई अपने शरीर का अगर ख्याल रखना है, अपनी अगर हेल्थ अगर चाहिए, तो वाकई NDS है। और NDS में भी जो जिस तरीके से हमें महेंद्र भाई जी ने ये समझाया था कि ये कैसे हम रोगी होते हैं और कैसे हम निरोग हो सकते हैं, वो उन्होंने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया। और जब प्रैक्टिकल किया तो हमारी बुद्धि में ऐसा बैठ गया कि अब हमारा जो ये गलत खान पान की और सोच भी नहीं जाती है। तो ये इसी चीज़ को दिखाने के लिए मैं यमुनानगर से अपने साथ अपने भाई जी को लेके आया हूँ, ताकि वो महेंद्र भाई जी से मिलकर ये इस सिस्टम को जान सके। और इनके मदर जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहते और वो जो है उनके ऊपर पहले कुछ काम करें घर में रहकर, और फिर वो यहाँ उनको लेकर आएंगे ताकि वो अपनी जो उनकी TB की प्रॉब्लम हुई थी वो उसको पूरी तरह से उनको मुक्त कर दें। यहाँ भी आकर मैंने भाई जी का ये सारा सेंटर देखा है कि, और उनसे जाना है कि कैसे उनके जो रोग हैं 8 8 10 10 दिन में ये सारे रोग चले गए हैं, जो रोग जिन के लिए डॉक्टर जो है कहते हैं कि सारी आपको आयु दवाई खानी पड़ेगी, सारी उम्र आपको जो है ये खान पान में ऐसा करना पड़ेगा, मगर यहाँ तो 10 ही दिनों में जो है जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है, ये मैंने आके यहाँ प्रैक्टिकल देखा है। तो मैं तो मेरी तो यही कह लो कि दिली शुभ भावना है सबसे कि जिसका भी अगर कोई ये शारीरिक अपनी तकलीफ है, तो वो बिना देरी किए भाई जी ने ये जो सेंटर यहाँ सूरत में खोला है, यहाँ पर आकर अपना जो है रोग का निवारण करें और आगे से पूरी तरह रोग मुक्त हो जाएं। यही मेरी सबके प्रति, सभी सूरतवासियों के और सभी भारतवासियों के प्रति मेरी यही शुभकामना है कि सारे अपने आप को रोग से मुक्त कर लें, दवाइयों से मुक्त कर लें, ऑपरेशन से मुक्त कर लें और अपनी जीवन को जो है खुशहाल बना लें। यही सेंटर मेरी कैसा लगा आपको? सेंटर बहुत अच्छा लगा। सेंटर देखकर तो मेरे यही इच्छा होती है कि अब कोई भी जो है ICU की तरफ ना भागे, यहीं पर अपना खान पान सुधार कर अपना जो है जीवन फिर से जो है अपने आप को खुशहाल बनाए।
तो अभी आपने 5 दिन के शिविर भी किए, 17 दिन का शिविर भी किया, और यहाँ तो आप मेरे साधकों को मिले जो यहाँ सेंटर पे महीने 2 महीने से रुके हैं। तो आपको अभी कोई ऐसे क्रॉनिक डिसीज वाले दर्दी है तो उसको आपको क्या कहना है? मेरे को उसको एक ही बात कहनी है कि अगर जो भी रोग हो चुका है मगर आज से ही अगर हम अपने आप को एनडीएस की ओर समर्पित कर देते हैं तो जो है रोग जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि जिस रोग के लिए मैंने पहले भी बताया कि डॉक्टर कहते हैं कि सारी उम्र आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी, ऑपरेशन कराने पड़ेंगे, यहाँ 10 दिन में ही फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, और महीने में तो जो है कि किसी अगर क्रोनिक रोग है तो वो भी चला जाता है। क्योंकि मैंने किडनी वाले पेशेंट बताया कि वो देखे थे पहले, तो इसलिए मेरा सभी से फिर निवेदन है कि अगर किसी को कोई भी क्रॉनिक डिजीज है तो वो अपने आप को एनडीएस की ओर जो है अपना जीवन के कुछ दिन दे दे और बाकी का अपना जीवन सारा सुखी बना ले। तो इसके लिए हमारा जो सेंटर है वहाँ लोग आपको मिले, कितने कितने टाइम से रुके हुए मिले? हाँ, वो कोई बताया, किसी ने बताया कि मैं जो है 20 दिन से रुका हूँ, किसी ने बताया 1 महीने से, और किसी ने तो बताया कि मैं 1.5 महीने से रुका हूँ। जिनका बहुत पुराना जो है, जिनके लिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन कही थी, वो अब 1.5 महीने में उनकी जो है सारी प्रॉब्लम दूर होने को आ रही है। ये कैंसर वाले कहते हैं कि जो है अब हमारी जो गांठें हैं वो जो ख़त्म होने को आई हैं। तो इसलिए मेरे को तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि जैसे चमत्कार है एनडीएस में, कि कैसे जो वहाँ पर तो हॉस्पिटल में जाके तो पता नहीं कोई ठीक होता है या और ख़राब हो जाता है, मगर यहाँ तो जो है 1.5 महीने में और 20 दिन में जो है, मतलब कि जो बिल्कुल जो कह लो कि ऐसे रोग जिनके में सब ना कर देते हैं वो भी यहाँ पर ठीक होके जा रहे हैं, और ये मैं सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अभी यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप भी हमारे सेंटर का विजिट लीजिए।